आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एडवोकेट प्रैक्टिस कैसे करें या फिर न्यू एडवोकेट पैसे कैसे कमाएं। तो इस वीडियो में बहुत सारे मैं ऐसे तथ्य, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जिसको आप ये बोल सकते हो कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम कुछ फिगर्स को, कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस प्रोफेशन में टिक सकते हो, पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए। यहाँ पे नए एडवोकेट पैसे कैसे कमाएं या प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप ये पहले आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, जब भी एक नया एडवोकेट इनरोलमेंट होकर वो कोर्ट में जाते हैं, तो मान लीजिए 100% जो है वो एक बार क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए। अब आगे बात करें कि एडवोकेट पैसे कैसे कमाएं या फिर प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 100% जो एडवोकेट जा रहे हैं कोर्ट, पहली बात इनमें से टिकेंगे कितने कोर्ट में। होगा क्या, पहले 3 मंथ्स में ये जो 100% जा रहे थे उनमें सिर्फ कितने बच जाएंगे, 50% यहाँ पे या जो एडवोकेट्स है वो कोर्ट में बचेंगे, बाकी के इस प्रोफेशन को या फिर कोर्ट की जो प्रैक्टिस है उस वकालत अपनी छोड़ देते हैं। अगले 6 महीने में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे कितने परसेंट बच जाते हैं, सिर्फ 30% बच जाते हैं। और 1 साल होते होते अगर आप देखोगे तो बड़ी मुश्किल से 5 या 10% ही एडवोकेट हैं जो कि कोर्ट में टिकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। अब वो ये 5 से 10% लोग, वो एडवोकेट वो क्यों टिकते हैं, और ये जो आपका 90% एडवोकेट है वो क्यों इस प्रोफेशन को या तो छोड़ देते हैं या फिर किसी और जॉब प्रोफाइल में चले जाते हैं या फिर कोई जॉब करने स्टार्ट कर देते हैं, लॉ लीगल जॉब भी हो सकती है या फिर कुछ लोग तो अपने बिजनेसिस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे पैसे भी कमाने की हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें टिकना क्यों ज़रूरी है। ये जो प्रोफेशन है एडवोकेट का, इसमें जो भी एडवोकेट आते हैं लॉ करके, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, लॉ ग्रेजुएट होकर के आ रहे हो, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि चलो हम कुछ ना कुछ यहाँ से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि यहाँ पे इवन तो आपको कई बार सालों साल कुछ भी पैसा नहीं बनता है, आप ज़ीरो अर्निंग करते हो और बिना अर्निंग के टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। घर वालों का प्रेशर अलग से होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर अलग से होता है, तो ऐसे केस में क्या है कि वो क्विट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बात आती है कि अगर हम इसमें कुछ करना चाहते भी हैं और जिस भी हम सीनियर को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सीनियर से ही स्टार्ट करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ लेने से या लॉ की ग्रेजुएशन कर लेने से आपको वकालत नहीं आती है। जब तक कोर्ट में नहीं जाओगे, सीनियर के साथ काम देखोगे नहीं, सीखोगे तब तक आएगा नहीं। जब हम सीनियर को फॉलो करते हैं, सीनियर भी आगे आपको 2 तरह के मिलते हैं, एक मिलते हैं सपोर्टिव, एक मिलते हैं आप ये बोल सकते हो कि जो आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर तो सपोर्टिव सीनियर है तो वो आपको आने जाने का खर्चा, कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंसेस वो देते रहते हैं और आपको काम सिखाने में भी एफर्ट्स करते हैं। जो दूसरे टाइप के सीनियर्स हैं वो ना तो आपको कोई यहाँ पे खर्चा देते हैं, ना ही आपको ज़्यादा उनकी तरफ से एफर्ट्स मिलते हैं कि आप सीख सको। इवन यहाँ तक भी देखा जाता है कुछ सीनियर्स तो इसलिए भी नहीं सिखाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कल को या तो ये हमारे ही क्लाइंट्स ले जाएंगे या फिर ये हमारे लिए खुद से ही कंपिटिटर्स बन जाएंगे। तो अब बात आती है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों से निकला जाए, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाना स्टार्ट करते हो आपको पता कुछ नहीं होता है, कोर्ट में चले जाते हो या जो जजेस हैं वो आपकी मतलब इंसल्ट कर देते हैं, आपसे कुछ पूछ लेते हैं, आपको फाइल के बारे में पता नहीं होता, तो ऐसे जब सिचुएशंस आती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारा मोरल का लेवल है वो डाउन होने लग जाता है, हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं और एक स्टेज पर आकर के कोर्ट आना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ मिल भी नहीं रहा होता है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस कैसे करें और किस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि हम इसमें टिक सकते हैं। वकालत में टिक पाना बड़ा ही मुश्किल है, 3 साल आप ये गांठ मान लीजिए कि 3 साल अगर आप इस फील्ड में टिक गए तभी जा कर के आप एक सफल वकील बनने के रास्ते पे चल सकते हो। 2 तरह की चीज़ें यहाँ पे अगेन आएंगी, एक आएगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जिसके खानदान में पहले कोई भी लॉयर नहीं था, ना बाप दादा कोई भी नहीं था, इनके लिए जो है
प्रॉब्लम्स हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। और दूसरे होते हैं जिनके फादर या ग्रैंडफादर ऑलरेडी लॉयर्स होते हैं उनके जनरेशन में, तो इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए तो बना बनाया बिजनेस मिल जाता है और इनको अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाती है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स हैं उनके बारे में। इवन मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन ही लॉयर हूँ, तो मैंने जिस तरह से चीज़ें स्टार्ट करी तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के इस चीज़ के बारे में अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें से आप कैसे निकल सकते हो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको इन चीज़ों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात आती है कि जो भी फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक अच्छा सीनियर ढूंढना पड़ेगा। वो सीनियर कौन हो सकता है? वो जो कि आपको सिखाने में रुचि रखता हो। आप पैसे चाहे आपको ना मिले लेकिन सिखाने में आपको रुचि रखते हो, आपको फाइल्स पढ़ने के लिए दिए, आपको अपनी कोई भी बहस है, कोई कंसिडरेशन है, आपको अपने साथ में लेकर के जाएं, ऐसा आपको कोई सीनियर ढूंढना पड़ेगा। नंबर दो पे अगर आप कोई सीनियर ढूंढ लेते हो तो आप अपने लेवल पे आप अपने क्या कर सकते हो, अपने विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हो और जहां कहीं पे भी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, नोन्स हैं, कोई भी लीगल समस्या आ रही है तो आप उस काम को अपने हाथ में लेकर के उसको ड्राफ्ट करने की कोशिश कीजिए, लीगल नोटिस भेजने की कोशिश कीजिए और अपनी सीनियर से हेल्प मांगिए, ड्राफ्टिंग करिए, उनको दिखाइए, उनसे चेक करवाइए कि क्या ये सही है। और इस तरीके से अगर वो सही है तो आप चीज़ों को धीरे धीरे ग्रैब करना स्टार्ट करेंगे। नंबर तीन पे आपको अपने मन से जो डर है, जो फियर है, वो आपको निकालना पड़ेगा। जब तक आपके माइंड में डर रहेगा तब तक आप वकालत में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये जो डर है इसको आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो अब डर को तो निकाल देंगे, अब बात आती है कि एक्चुअल में हमको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करना सीखिए, विल की ड्राफ्टिंग करनी सीखिए, क्योंकि ये वैसे मतलब काम है जो कि आपको इजीली मिल जाते हैं। विल बनाने का, विल वसीयत बनाने का आपको इजीली आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार रिश्तेदारों में ये चीज़ें मिल जाती हैं। विल ड्राफ्टिंग आप कहाँ से सीख सकते हैं? अगर आपके सीनियर हेल्प करते हैं तो ठीक है, अगर सीनियर हेल्प नहीं करते हैं तो भी आप, इवन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम कुछ एक ऐसा, क्योंकि मुझे अंदर से ये चीज़ फील होता है यार कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे नए एडवोकेट्स हैं जो कि सही गाइडेंस और प्रॉपर यहाँ पे ये पाथ ना मिलने की वजह से वो मिसगाइडेड हो जाते हैं और थक हार करके इस वकालत को छोड़ देते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि एडवोकेसी में पैसा नहीं है। एडवोकेसी में सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मिलता कुछ नहीं है, सीखने के ऊपर ही अपने एफर्ट्स करने होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम कुछ ऐसा लेकर के आए जिसमें कि जो भी एडवोकेट्स हैं नए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके, उनको क्या करना चाहिए, ज्यूडिशियरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वकालत ही करनी चाहिए, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी परेशानियां प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर काम करें, तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ प्लान कर रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से, उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। अभी के लिए लीगल नोटिस हो गया, विल ड्राफ्टिंग आप सीखिए, इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग सीखिए, क्योंकि जो ITR 1 है और ITR 4 है इनकी फाइलिंग बहुत ही ईजी रहती है। आप इसको यूट्यूब से भी सीख सकते हो, तो जो भी कोई आपका क्लाइंट आ रहा है 500 हज़ार जो भी चार्ज कीजिए ताकि आपका स्टार्टिंग से खर्चा निकलता रहे। और आप ये भी कर सकते हो कि कुछ भी, जैसे कि आप कोर्ट से आते हो तो आप कोई भी ट्यूशन की क्लासेस आपको अलाउड है, आप ट्यूशन की क्लासेस दे सकते हो, एजुकेशन आप दे सकते हो, पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो साथ में इन चीज़ों को आप लेकर के चलिए और आपके पैसे भी कमाएंगे और आप इसी में टिके भी रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं होगा तो आपके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आपको कुछ और फील्ड देखना पड़ेगा। एक साइड बाय साइड इनकम का सोर्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोई डाउट है क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।